हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न वृद्धि धीमन। तो आज आपका क्लास सेवन्थ जो है उसका लास्ट वीडियो है, ये लास्ट चैप्टर है। तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपकी सेवन्थ क्लास की पॉलिटी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, आप लोग बहुत ध्यान से इनको पढ़िए क्योंकि कुछ दिनों बाद ही मैं इन सब के क्लास वाइज टेस्ट भी लूंगी। जैसे कि मैं हिस्ट्री का अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टेस्ट देना होगा जिसमें पूरी क्लास सिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट डे टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आपकी बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चों की ये समस्या रहती है कि वो वीडियो बार बार देखते हैं, उन्हें याद नहीं होता है। तो टेस्ट की वजह से आप उन्हें अच्छे से याद कर पाओगे और आपकी बहुत अच्छी रिवीजन होगी। ठीक है, तो इसकी सूचना आपको एक दिन पहले ही दे दी जाएगी। अभी आपकी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होने वाली है, पॉलिटी जो है वो आधी हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कौन सा है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है? तो इसका आंसर है मीडिया या प्रेस, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, मीडिया किस अंग्रेजी शब्द से बना है? देखिए, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें अक्सर चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि मीडिया किस भाषा से बना है, तो हम वहाँ देखते हैं कि लैटिन भाषा ही होगा। लेकिन यहाँ तो आपको ध्यान रखना है कि मीडिया अंग्रेजी शब्द से, मीडियम से बना है। ठीक है, मीडिया मीडियम से बना है जो कि अंग्रेजी शब्द है। तो देखिए, मीडिया इसका अर्थ होता है माध्यम। जैसे कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है? एक माध्यम होता है। क्वेश्चन थ्री है, मीडिया किसे कहते हैं? तो मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। विचारों सूचनाओं की आदान प्रदान की प्रणाली को मीडिया कहते हैं, जहां हम अपने विचारों को, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये माध्यम हो सकता है रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, टेलीफोन या कंप्यूटर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने मीडिया को जाना। मास मीडिया क्या होता है? तो थोड़ा सा ही फर्क होता है, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट की सोशल साइट की पहुंच बड़े जनसमूह, याद रखना है, बड़े जनसमूह तक पहुंचाना। ठीक है, जिससे कि लोगों को एक साथ प्रभावित किया जा सके। तो यह मास मीडिया के माध्यम से ही हो सकता है, जिसमें एक साथ जो जनसमूह है वहां तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो थोड़ा सा ही अंतर है मीडिया और मास मीडिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन फिर भी नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो एक चीज तो याद रखनी है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। बस आपको सन याद रखनी है 2014, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। तो इस वीडियो में आपके केवल 5 क्वेश्चन ही निकल कर आए हैं। ये चैप्टर जो है वो केवल समझ पर आधारित था, जो कि हम बहुत सारी चीज़ों को पहले समझ भी चुके हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकले हैं, केवल 5 ही निकले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 के साथ। थैंक यू।